देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है बास्केट चाट, बिना तले बिल्कुल ग्लिट फ्री चाट बनाई है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। बनाना शुरू करते हैं बास्केट चाट। पहले उसके लिए बास्केट तैयार करेंगे, जो कि हम ना तलेंगे ना आटा मलेंगे, ऐसे ही आराम से बन जाएंगी। आलू की बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होती है 2 छलनी चाहिए, आलू कसते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 5 मिनट में तैयार होने वाली। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे बनाया। बनाना शुरू करते हैं बास्केट चाट। देखिए कितनी बढ़िया हमारी बास्केट चाट तैयार हुई है। बास्केट चाट बनाना हुआ बहुत आसान, ना तलना ना भूनना ना आटा मलना, ना 2-2 छलनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और बड़े आराम से हमारी बास्केट चाट बनेगी। उसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा। ये मैंने लिया चावल का आटा, जितने भी आपने बनाने हैं उस हिसाब से लीजिए। मैंने ये 1 कप चावल का आटा लिया। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो सिंपल चावल लीजिए, उन्हें मिक्सी में पीस लीजिए और छान लीजिए। उससे होगा क्या कि छानने से जो मोटे मोटे चावल होंगे वो निकल जाएंगे, बारीक पाउडर आपको मिल जाएगा। और वैसे बाज़ार से भी तैयार करा कराया मिलता है, मेरा तो ये घर का ही पीसा है। मैंने अपनी आटा चक्की ले रखी है, उसी में हम पीसते हैं घर के आटे, तो उसी में मैंने ये पीसा है। और देखिए कितना बारीक। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत। मैंने आपसे आलू की टोकरी चाट कैसे बनाते हैं वो रेसिपी भी शेयर की है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है और इसे आप 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा करना चाहें तो उसका उपाय भी मैं आपको बता दूँगी कितने दिन तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप चावल का आटा लिया, इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच बेसन, और डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने से हुआ क्या कि चावल में बाइंडिंग नहीं होती है, जैसे कि हम जानते हैं ग्लूटेन, तो उसके लिए हम जब ये बेसन डालेंगे तो इससे हमारी बाइंडिंग आएगी। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे, जिससे कि हमारा लम्प फ्री घोल बने। एकदम से पानी डाल देंगे तो हो सकता है पतला हो जाए, जितना हमें ज़रूरत हो उससे पतला हो जाए, या कुछ और दिक्कत आए, लम्प्स बने रह जाएं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाइए। हमें एक लम्प फ्री घोल तैयार करना है, जैसा पकौड़ों के लिए गाढ़ा सा बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का बैटर तैयार करना है। ये देखिए हमारा लम्प फ्री बैटर तैयार हो गया, और पोरिंग कंसिस्टेंसी का है, देख सकते हैं आप, ना पतला है ना गाढ़ा है। और हल्दी की डालने की वजह से कलर भी इसका पीला आ गया, और ये कटोरी बहुत क्रिस्पी बनेंगी, क्योंकि हम जानते हैं चावल की चीज़ें कितनी क्रिस्पी होती हैं, जब बनती हैं तब क्रिस्पी होती हैं, और ठंडी होने के बाद और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए कभी कभी मेरे को इसमें एक दो दिखी गांठें, इनको बिल्कुल मिला लीजिए, एक सार कर लीजिए। चलिए अब आगे का काम करते हैं। अब लीजिए कोई एक पॉलीथीन, ऐसी जो दालों में सामान में आती हैं, या दूध की पॉलीथीन, जो भी हो कोई भी ले सकते हैं, या फिर पाइपिंग बैग जो हम आइसिंग में इस्तेमाल करते हैं केक में पेस्ट्री में, वो ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लें। और उसमें हम अपना ये बैटर पोर कर देंगे, और एक रबड़ लगा के इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इस तरह से डाल लिया। अब हम इसको बिल्कुल छोटा सा, बहुत बारीक सा काटेंगे, और चेक कर लेते हैं, और इस तरह से कटोरी बनाएंगे। देखिए परफेक्ट निकल रहा है। तो अब हम अपनी कटोरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये लिया मैंने 1 कप पानी, आजकल ये सबके घरों में होते हैं, और नहीं होते हैं तो मैं आपको उसका भी उपाय बताऊँगी। इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल लूँगी, और हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। हम तलेंगे नहीं कटोरियों को, इसी तरह से बनाएंगे, और हमारी कटोरियाँ बहुत बढ़िया बनेंगी। सारे को मैं ग्रीस कर लेती हूँ। मेरा ये छोटे वाला है तो मेरी कटोरियाँ थोड़ी छोटी छोटी बनेंगी। बड़ी कटोरी कैसे बना सकते हैं अगर आपका भी इस तरह का छोटा है, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये रखा मैंने गैस पे अपने पैन, और गैस को ऑन कर दिया। हल्का सा गर्म होने देंगे, और अपने बास्केट बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से बनाइए, जिग जैग ऊपर से भी बना दीजिए। ये देखिए इस तरह से ऊपर भी बना दीजिए, और बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा और आपकी टोकरियाँ तैयार। हल्की आँच रखिए, ऊपर से भी जाली बन जाएगी तो सुंदर लगेगी। इस तरह से जिग जैग करते हुए ये देखिए हमारी टोकरी तैयार।
कितनी अच्छी सी, कितनी सुंदर सी, ये आपको फिनिशिंग करनी है, इस साइड से निकाल लीजिए। ये देखिए हमारी टोकरी, ऐसे ही बड़ी टोकरी बना लेंगे, वो भी मैं आपको बना के बताती हूँ कैसे बना सकते हैं। ये देखिए एक तड़के पैन को मैंने गर्म किया और इसे ऑयल से जैसे हमने अप्पे पैन को ग्रीस किया था ऐसे ही इसको ग्रीस कर लिया, और इसमें भी हम अपनी इस तरह से, देखिए हमारी टोकरी तैयार है। ये देखिए बिना मेहनत के, बिना तले, और ये जो हमने बड़ी टोकरी बनाई थी ये, चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं और मैं आपको दिखाऊं कितनी करारी है, कितनी करारी टोकरियाँ बनी है हमारी। इसकी स्टफिंग के लिए आप दही बड़े भी लगा सकते हैं इसमें, या आपके पास स्प्राउट हो स्प्राउट डाल सकते हैं। मैं आलू प्याज और टमाटर डाल के ये चटनी बना रही हूँ। ये मैंने डाला दही बड़ों का मसाला, चाट का मसाला, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया, और ये नमक, इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है। चाट में हमेशा इस नमक को डालिए, चाट में जो हजम करने की, बहुत आसानी से हमें चीज़ें हजम हो जाती हैं इस त्रिफला नमक से, और हमारा मसाला भी बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ हुआ है, चाट का टेस्ट दुगना कर देता है। इसमें चाहे आप नींबू मिला लें, चाहे हरी चटनी मिला लें, जो भी आपको पसंद हो वो मिलाएं। अब अपनी कटोरियों को सर्व कर लेते हैं। ये मैंने डाला, छोटी छोटी हैं, मेरा अप्पे पैन छोटा था तो मेरी छोटी बनी है, आपका अप्पे पैन बड़ा होगा तो बड़ी बनेंगी, और अगर आप इन्हें लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इन्हें आप पहले अप्पे पैन में हल्का सा बना लें जैसे मैंने बनाई है, और उसके बाद आप इनको एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं, तल के भी रख सकते हैं, तो ये आपकी महीना भर ख़राब नहीं होंगी टोकरियाँ, ऐसी की ऐसी कुरकुरी बनी रहेंगी, जैसी कि अब बन इस समय है ऐसी ही कुरकुरी आपकी टोकरियाँ रहेंगी। इस पर मैं डालूँगी थोड़ी दही, आप बिना दही के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब चाट बना रहे हैं तो दही चटनी ये तो होनी बहुत ज़रूरी है ना। मीठी सौंठ, जो चाट में हम अक्सर डाल के खाते हैं वो सौंठ, हरी चटनी, हमारी बास्केट चाट बिल्कुल तैयार खाने के लिए। बिना मेहनत की, बिना तले, गिल्ट फ्री बास्केट चाट खाने के लिए तैयार है, थोड़ा सा हरा धनिया। चलिए खाइए, बताइए कैसी बनी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।